परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है, देख लो ये पूरा किताब भी वही घुमा फिरा के किया है। लिखो चर्चा ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, लिखो हेडिंग डालो चर्चा ऑन प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, चर्चा प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की। अभी डॉट प्रोडक्ट की किए हैं, अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। आओ होए, देखो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कम्यूटेटिव, नहीं है ये कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि ए क्रॉस बी करोगे जब और बी क्रॉस ए करोगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा यहीं पे हाथों हाथ समझा दे रहे हैं। देखो क्या करो, देखो देखो ये ए है ये बी है, ठीक थीटा है, ए का मैग्नीट्यूड सेम बी का मैग्नीट्यूड सेम, हाँ कि ना, सेम, थीटा भी सेम, तो ए क्रॉस बी करो ए बी साइन थीटा, ऐसे भी सेम आएगा वैसे भी सेम आएगा। क्या बोले, समझ में आया कि नहीं, कैसे सेम आया, सेम आया कि नहीं आया। अरे यार ए का मैग्नीट्यूड थोड़ा ना बदलने वाला है, चाहे ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए करो। ए क्रॉस बी का मतलब देखो ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए का मतलब बी ए साइन थीटा। ध्यान से देखो, क्या अलग अलग है क्या, नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं ये अलग है, कैसे देखो, हाँ डायरेक्शन अलग है। अभी रुक जाओ, ये ए नहीं, पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं ए क्रॉस बी, ये ए है ये बी है, यहां पे डायरेक्शन क्या है, ए बी बाहर की तरफ, हाँ कि ना। अब रुक जाओ, ये ए क्रॉस बी का है, ये ए क्रॉस बी का है, अब आ जाओ बी क्रॉस ए की, ए की डायरेक्शन में बी इधर है नीचे की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत, मतलब क्या एक वाला वेक्टर जो है बाहर की तरफ और एक वाला अंदर की तरफ, तो क्या ये कम्यूटेटिव होगा, नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी करोगे वेक्टर देगा और बी क्रॉस ए करोगे तो भी वेक्टर देगा, तो क्या ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी कब इक्वल होती है, जब उसका डायरेक्शन भी इक्वल हो मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड भी, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब ये ए क्रॉस बी बाहर दे रहा है और वहां पे बी क्रॉस ए करोगे तो अंदर देगा, कोई दिक्कत, लिख लो लिख लो। अरे कोई दिक्कत है तो पूछ लो, हाथ रखना सीख गए हो ना, राइट हैंड थंब रूल, लिखवाने की जरूरत नहीं ना है क्योंकि इसको इंग्लिश में लिखवाना भी होता है। हाँ तो बस देख लो ए को इधर डालो। हाँ एक चीज़ और सुन लो कि यहाँ पे देखे हो हम, तुम लोग शायद नोटिस नहीं किए हो, ये समझा दे रहे हैं, यहाँ पे बी ऐसे लेके किए थे तो बाहर की तरफ आया था लेकिन हम बोल रहे हैं अंदर की तरफ है क्योंकि यहाँ पे ए को कंसिडर किए हो, नहीं समझे क्या बोले, यहाँ पे ए को कंसिडर होके किए हम तो यहाँ पे भी उसी को कंसिडर करना होगा, कोई दिक्कत, बस लिख लिए हो गया क्या। अभी शुरुआत तो ए से की है ना, या तो बी से करो या तो ए से करो, अगर बी से शुरुआत करोगे तो ऊपर वाला अंदर की तरफ और नीचे वाला बाहर की तरफ हो जाएगा, कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन है तो एक ही बात को कंसिडर करोगे, ठीक है चलो फिर उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक ही क्वेश्चन में तीन चार बात नहीं करोगे अलग अलग, एक ही तरह से फिर शुरू खत्म। चलो देखो तीसरा, अरे यार कम्यूटेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं बताएं क्या, अच्छा चलो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ऐसा होगा, देखो इधर, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, गड़बड़ हो गया, कैसे घूम गया था क्या, ऐसे ये घूमा था ऊपर वाला, पूरा घूम गया था ऐसे नीचे से, वाह यार देखते रहना यार। हाँ क्या, हाँ देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, मतलब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा लेकिन इसका ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट है,
जैसे वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कर सकते हो, इधर वाला भी मतलब ए क्रॉस ए प्लस बी फिर क्रॉस सी लगा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव का यही मतलब होता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे, ऑर्डर सेम रहेगा, यही ऑर्डर है, ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तभी ये इज इक्वल टू वो होगा। ऑर्डर इन सेंस मतलब क्या यार, ये इधर उधर ना कर दो, ये उधर उधर ना कर दो, बात क्लियर हो रही है? हाँ लिख लो, ये भी ये लिख लो, फिर उसके बाद ऐसे स्टार बना के नीचे पॉइंट लिखना पड़ेगा, लिखो लिखो, इसके बाद स्टार बनाना होगा नीचे। हो गया, देखो स्टार बना के लिख लो, वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट द ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ऑर्डर इधर उधर कर दोगे तो मैटर गड़बड़ आ जाएगा, बट ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, आ जाओ तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है चलो आओ देखो, हो गया तीसरा प्रॉपर्टी देखो, यहां पे भी लिख दे रहे हैं, जरूरत वैसे है नहीं लेकिन देख लो, ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप डायरेक्शन के साथ बात करेंगे, हाँ कि ना, लेकिन जरूरी नहीं ये लिखना, लेकिन लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, हाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब आएगा, वही जो कॉस में बात की है, कब आएगा मैक्सिमम, जब साइन थीटा वन हो, जब साइन थीटा, और साइन थीटा वन कब होगा, जब थीटा 90 होगा, यानी कि इससे क्या समझ रहे हो कि ए और बी परपेंडिकुलर जब होंगे तो ये मैक्सिमम आएगा। चौथी बात, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस होता है, ये अगर मान लो जीरो हो गया, ए क्रॉस बी जीरो हो गया, यानी कि मिनिमम, मिनिमम नहीं, ये ए क्रॉस बी जीरो हो गया, ठीक है, तो थीटा इस केस में क्या होगा, जीरो डिग्री होगा। इससे क्या समझ रहे हो कि ए और बी पैरेलल है या तो कॉन्साइड कर रहे हैं, ये ए है ये बी है, या तो कॉन्साइड कर रहे हैं या तो पैरेलल है, हाँ कि ना। ये चौथी प्रॉपर्टी हुई। पांचवी प्रॉपर्टी देखो, आई कैप इंटू क्रॉस आई कैप कितना होगा, ध्यान से सोचो, ये दोनों आपस में एक साथ चल रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, जीरो डिग्री, साइन थीटा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो गया। वहाँ पे जब आई आई का डॉट ले रहे थे तो वन आ रहा था, यहाँ पे क्रॉस ले रहे हो तो जीरो आ रहा है, उसी तरीके से जे जे का ले लो, जे क्रॉस जे जीरो, उसी तरीके से के क्रॉस के जीरो, हाँ कि ना, हाँ। अच्छा रुक जाओ, छठवा ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना, इम्पॉर्टेंट है ये, आई क्रॉस जे करोगे क्या होगा, कई बात होगी अब यहाँ पे, देखते रहो ध्यान से। आई क्रॉस जे किए हैं, क्या किए हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, देखते रहो, आई क्रॉस जे किए, आई है जे है, क्रॉस किए परपेंडिकुलर है, साइन थीटा वन हो गया, यूनिट मैग्नीट्यूड है तो ए और बी भी वन हो गया, मतलब क्या पूरी वैल्यू वन हो गई। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड खत्म, डायरेक्शन भी बच रहा है, आई ये है जे ये है, आई क्रॉस जे क्या बाहर के कैप आया, अरे यार मतलब क्या ये के कैप हो गया, कोई दिक्कत इसमें, अच्छा अब रुको, जे क्रॉस के कर दिए, ये आई कैप आएगा कैसे, जे है के है तो जाहिर सी बात है आई बाहर ही होगा, जे क्रॉस के बाहर आ गया, कोई दिक्कत। उसी तरीके से के क्रॉस आई कर दो, क्योंकि आपस में सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सोचो मत कि वो के उधर क्यों बना दी, के तो बाहर होता है, नहीं वो बस घुमाने वाली बात है, नहीं समझे, यहाँ पे मान लो x इसको माने हो, इसको माने हो, x को इधर घुमा दो, मतलब मोड़ने की बात है तुमको, ठीक है, उसको कैसे भी घुमा सकते हो। अब यहाँ पे देखो k क्रॉस i j हो जाएगा,
इसको याद करने का एक और तरीका, ये तो हो गया, ऐसे बार बार समझना होगा, नहीं समझना है। आई जे है, के बचा है ना, के लिख दो। जे के क्या बचा, आई बचा, आई लिख दो। के आई है जे, अब रुक जाओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ऑर्डर रिवर्स कर दो, इसको इधर घुमा दो, माइनस के आएगा। आई क्रॉस जे है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई कर दो, क्या आएगा, माइनस के आएगा, कोई दिक्कत? जे क्रॉस के है, माइनस आई, यहाँ पे के क्रॉस आई, माइनस जे, कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पे देखो, जब डायरेक्शन हम लोग के कैप, के कैप क्या है, ऐसे कि बाहर की तरफ के कैप आया, इसका मतलब है कि के कैप को हम लोग पॉजिटिव माने हैं, तो बाहर वाले को तुम क्या माने, पॉजिटिव माने, तो अंदर वाला अपने आप निगेटिव हो जाएगा। अगर जिधर पॉजिटिव मान रहे हो, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, आगे पॉजिटिव तो पीछे, अगर पीछे को पॉजिटिव मान लोगे तो आगे कंसीडर करने की वाली बात है, एक टाइम पे क्या कंसीडर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मान लो समझ गए, अगर मान लो बेवकूफ़ी करना हो, मतलब कि जल्दी से बताना हो, रूल है आई है, जे है, के है, है, घुमा दो, देख लो, इसको याद कर लो, आई जे तो के आई तो जे, जे के तो आई, कोई दिक्कत? बस लिख लो। कुत्ता भूख तो नहीं सुने हो क्या? पहली बार सुन रहा हूँ, कुत्ता भूख रहा है, वाह, कुत्ता भूख रहा है। हो गया, देखो सातवीं प्रॉपर्टी, जैसे वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वैसे यहां भी करेंगे। देखो ए वेक्टर दे रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, सॉरी, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए वेक्टर दे रखा है। बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप दे रखा है, ए बी दे रखा है। ए बी का क्रॉस करो, ए बी का, तो वहां पे भी इस तरह का लेके किए थे, यहां पे भी इस तरह का लेके करेंगे। वहां का क्या तरीका था समझ में आया? यहां का तरीका क्या है कि आपके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आने वाला है, इसको करने का तरीका अलग है, उसको करने का तरीका अलग है, उसको कैसे किए समझ में आया, इसको कैसे किए अभी ये समझो। क्या लाइन बोल रहे हैं? नहीं देखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, पहले लिख तो लो आराम से, है कि नहीं, इसमें भी टाइम जाएगा, है कि नहीं, एक घंटा गया, हो गया, हो गया। अब रुको, इसको करने का तरीका, इसको करने का देखो, आई जे के डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता ही है, जो तुम लोग नहीं पढ़े हो, शायद पढ़े हो, शायद टेंथ में पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में। देखो इधर, देखो, नहीं ना, ना रुको, देखो तो अभी, आई जे के लिख दिए, एक आई का मैग्नीट्यूड देखो ए एक्स है और उसका उधर बी एक्स है, ऐसे करना होगा, ये तरीका देख लो आज ही अभी तुरंत बसा लो, अगर नहीं पढ़े हो तो बस सुन लो, कुछ नहीं बोल सकते हैं। जे के नीचे ए वाई बी वाई, के नीचे ए जेड बी जेड, हो गया। अब इसको उठा रहे हैं, एक बार इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, तरीका बहुत है इसको सॉल्व करने का, बस सिंपल वाला सुन के खत्म कर दो, ज्यादा इस पे बकवास नहीं करना है। आई वाला उठाएंगे एक बार जे उठाएंगे, एक बार के उठाएंगे, इक्वल टू आई उठा रहे हैं, पहले आई उठाए, ढक दो इसको, इसको ढक दो, मतलब ये वाली पट्टी पूरी, ये वाली पूरी ढक दो, ढक दिए, ये चारों बच दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, बीच में माइनस लगा दो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए वाई बी जेड, ब्रैकेट में ए वाई बी जेड माइनस, इसको मल्टीप्लाई ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, हो गया प्लस आई, हो गया। अरे बस सुन ले भैया, यही करना है, यही नियम है, जे उठाओ, उठा लिए जे, इसको ढक दो, उसको ढक दो, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? इसको ढक दिए, उसको ढक दिए,
बचा क्या ए एक्स, ये चारों दिख रहा है, ये हाँ कि ना, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, या फिर ए जेड बी एक्स, कोई दिक्कत? प्लस क्या बचा? के बचा, ये गया ये गया ये दोनों बचा, ए एक्स बी वाई माइनस ये बचा ए वाई बी एक्स, ए वाई, ध्यान से देखो ये मैग्नीट्यूड सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आई जे के, डायरेक्शन भी आ गया, क्या डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड है? क्या ए क्रॉस बी कभी भी सॉल्व करना हो इस नियम से सॉल्व कर लोगे? कर लो। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, ओए लिखो दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, दोनों को सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देना, जिसमें पहले ए क्रॉस बी ही निकालो अभी तो तुम लोग। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर पहला, ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर दे रखा है माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सेवन के कैप। याद रखना माइनस लिखे हैं तो वहाँ पे जब माइनस टू ही लिखना, आ रही बात समझ में ना? हाँ, एक ये क्वेश्चन है ए क्रॉस बी पता करो, एक ये क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस सेवन के कैप, और बी वेक्टर है टू आई कैप प्लस थ्री के कैप प्लस सेवन जे कैप। करो, दोनों में ए क्रॉस बी बताना है, बताओ पहले। कोई डायरेक्ट कर सकता है तो डायरेक्ट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाएगा, ज़्यादा फिगर विगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले तो वैसा ही करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो दिमाग में सोच के डायरेक्ट। आय हाय, हो गया। देखो हम डायरेक्ट करेंगे, देखना कैसे। पहले आई लिखेंगे, आई के नीचे ये दोनों होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, वो दोनों छुप जाएगा, और जे के भी छुप जाएगा, बचा क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड, थ्री सेवन जा 21 माइनस फोर टू जा 8 हो गया प्लस जे, और यहाँ पे देखो माइनस टू है, तो यहाँ पे जब ये तो छुप गया था ना, बात ही ख़त्म, जे ये छुप गया ये ख़त्म, देखना मैग्नीट्यूड आएगा 7 माइनस 2 जा 4 प्लस के, ये के है 4 माइनस प्लस 6 हो गया, सॉल्व कर लो, देखो डायरेक्ट हुआ है कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पे देखो तो जे नहीं है, लेकिन जे है उसका जीरो कंपोनेंट है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे प्लस जीरो के कैप लिख सकते हैं, सॉरी प्लस जीरो जे कैप लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, प्लस जीरो जे कैप। अच्छा सर, ए क्रॉस बी किए सर, क्या आया? अच्छा देखो आई कैप, आई के वाला छुप गया मेम्बर, आई वाला छुप गया, आई जे के एक छुप गया जो उधर है, इमेजिन करके चल रहे हैं, सेवन के साथ मल्टी, सेवन और जे ऐसे से मल्टी, तो इधर की है पैटर्न, देखते रहो ना ध्यान से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सेवन प्लस सेवन कितना हुआ? माइनस 49, और ये थ्री जीरो था जीरो, माइनस जीरो हो गया, प्लस जे कैप, अरे यार के को उधर लिख दिए, जे को उधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ जे हो गया, जे ये है, जे का मैग्नीट्यूड छुप जाएगा, बचा कौन? ये दोनों, थ्री माइनस प्लस सेवन टू जा 14 प्लस के, के का छुप जाएगा, छुप गया 177 माइनस 20 जा 0 हो गया, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत? लिख लो। वैसे ज़रूरत है नहीं, खेलते जाओ इसी तरीके से, एक क्वेश्चन देख लो लेकिन।
हाँ हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना भैया लोग, सॉल्व ऑल नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं आता है हमको। चलो देखो, हो गया देखो। हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अपने को एंगल बताना है कि ऐसा क्या एंगल होगा कि ए डॉट बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। नहीं समझो, थीटा की वैल्यू बतानी है जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो। और क्या समझ क्या रहे हो, उसमें समझना ही नहीं है कुछ। थीटा की वैल्यू बताओ कि ये दोनों इक्वल हो, लिख दो फॉर्मूला, लिख दो अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूला लिखो तो पहले, वो जो लाइन लिखे इसका फॉर्मूला क्या है वही लिख दो पता चल जाएगा, लिख दो पता चल जाएगा। हो गया, फॉर्मूला देखो पहले उसका, डायरेक्ट पता चलेगा। थोड़ा सा दिमाग का डब्बा खोल के सॉल्व करो क्वेश्चन अभी से ही, सारे फॉर्मूले को एक साथ दौड़ाओ दिमाग में। ऐसा नहीं कि एक चीज है तो एक ही सोच रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो करते आ रहे थे वही सोच रहे हो। तीन फॉर्मूला दिया है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर, यही तीनों लगेगा। ये नहीं, सब कुछ पूरा वो खोल के सोचो, एक एक फॉर्मूला दिमाग में एक साथ चलना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा फिजिक्स का। कौन कब कहाँ लगेगा, पहली बात देखो, दो चीज़ फिजिक्स में पता होना चाहिए, बताएं फिर से बोल दे रहे हैं। फिजिक्स में दो चीज़ पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, क्यों लगा रहे हैं ये पता होना चाहिए। कहीं भी मान लो फिजिक्स में फॉर्मूला लगा रहे हो, पता ही नहीं है फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, मत लगाना वो फॉर्मूला, या तो वो गलत हो जाएगा या तो तुक्के से वो सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो दो चीज़ पता होना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा क्यों लगेगा, दोनों रीज़न पता है तभी फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन पक्का सही होगा। करो ओए जवानी ले डूबी, ओए जवानी ले डूबी, ओए जवानी ले डूबी, ओए जवानी ले डूबी, ओए जवानी। अच्छा ये जवानी है क्या मोहित, ओए जवानी ले डूबी, ये जवानी है क्या जो ले डूब रही है कि नहीं, गुड क्वेश्चन है कि नहीं, गुड क्वेश्चन है ना, सोचा क्या गुरु, ये सब क्वेश्चन सोचने लायक है। चलो हो गया, कर लिए, देख ले भैया देख ले। देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इसमें एन कैप आएगा लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हो, वो तो डायरेक्शन है, क्या बोली समझ में आया, इसलिए हम मॉड लगा दिए हैं कि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका ए क्रॉस बी का। तो ए बी गया यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये कॉस थीटा साइन थीटा कब इक्वल होता है, जब थीटा 45 होता है, हाँ कि ना। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से कि मत सुनो, थीटा 45 होता है, बस लिख लो कोई दिक्कत। और क्वेश्चन देख लें, और क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है इसमें कोई। चलो हो गया, अब दो टॉपिक है छोटा छोटा सुन लो, हो गया। देखो हेडिंग डालो पोजीशन वेक्टर, कुछ है नहीं बस दिखा देंगे जल्दी जल्दी, बकवास है, बकवास नहीं है मतलब अच्छा है, पोजीशन वेक्टर हो गया। देखो बस सुन लो, देख लो फिगर बना लेना। देखो मान लो कोई पॉइंट है अपना, ये दे रखा है एक्स कॉमा वाई, कोई पॉइंट है, ये पहले भी बात कर चुके हैं, बस टॉपिक का नाम नहीं लिए थे, पढ़ा दिए हैं बस नाम नहीं लिए थे कि इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वेक्टर चाहिए ना, इसका डायरेक्शन है ना, एक्स में कहाँ मतलब एक्स वाई प्लेन में ये कहाँ, इसका डायरेक्शन पता है ना कि एक्स पे एक्स यूनिट चलो, वाई पे वाई यूनिट चलो, एक्स वाई पे पहुँच जाओगे, हाँ कि ना। अब एक्स वाई की जगह कुछ भी रखो, 2 3 4 3 कुछ भी रखो, हाँ कि ना। तो इसका वेक्टर होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी है, तो इस पॉइंट को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, मतलब ये जो वेक्टर है इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, हाँ कि ना। क्या अपने को इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल डायरेक्शन दोनों पता चल जाएगा, ये एक्स है तो क्या ये वाई है, तो क्या इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता कर सकते हो, ये मैग्नीट्यूड है इस पोजीशन वेक्टर का, पता कर सकते हो कि नहीं पता कर सकते हो, पता कर सकते हो। क्या थीटा पता कर सकते हो कि नहीं पता कर सकते हो,
कॉस थीटा साइन थीटा जो लगाने लगाओ, हाँ कि ना, लगा लिए, डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया, क्या ये पोजीशन वेक्टर क्या होता समझ में आया? हाँ सर। रुक जाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई, यानी कि अभी से समझ जाओ दो पॉइंट की बात हो रही है, क्योंकि डिस्प्लेस तभी करोगे जब दो पॉइंट, डिस्प्लेस ही नहीं करोगे जब एक ही पॉइंट है तो, हाँ कि ना। यहाँ पे एक पॉइंट था, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह गए, गए तो यानी कि दो पॉइंट। आ जाओ देखो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो एक पॉइंट मान लो प्रेजेंट है ये, और दूसरा पॉइंट ये प्रेजेंट है, इसको मान लो हम लोग बोल रहे हैं O1 और इस पॉइंट को O2, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो क्या इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर होगा? सोच के देख, होगा, इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर होगा। इसका पोजीशन वेक्टर मान ले रहे हैं हम लोग R1 होगा, और इस पॉइंट का R2 होगा, R2 वेक्टर R1 वेक्टर, कोई दिक्कत? इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर है, उस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर है, तो जो चेंज इन द पोजीशन वेक्टर है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, कोई दिक्कत? क्या बोले समझ में आया? जो चेंज इन द पोजीशन वेक्टर है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आर वन वेक्टर क्या होगा? एक्स पे कुछ चले, वाई पे कुछ चले, यही आर वन वेक्टर होगा। वो क्या होगा? एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप, हाँ कि ना। और आर टू क्या होगा? आर टू ये होगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, हाँ कि ना, ये आर टू होगा। और ये आर, ये समझ में आया कि नहीं? क्या लिखे? ये तो पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट पी वन पी वन पी टू लिख लो, पॉइंट ऐसे समझ में आएगा, पी पी पॉइंट, हाँ कि ना। तो क्या ये पी वन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख दिए, पी टू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? ये तो पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? चेंज इन द पोजीशन वेक्टर, क्योंकि तुमको पी वन से पी टू तक जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? आर, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो आर बनाया। आर वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल है? चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वन एंड आर टू, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वन एंड पी टू, सॉरी सॉरी, ठीक है, आ जाओ, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वन एंड पी टू। क्या आप जो बोले वही लिख रहे हैं? जो बोले हैं वही लिखने वाले। देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वन एंड पी टू, पी टू ये है, पी वन ये है, दोनों का पोजीशन वेक्टर है, उसका चेंज क्या है? वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सोच के देख, हम लोग वही करते हैं वहाँ पे भी जब डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यही करते हैं कि नहीं करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? वो माइनस वो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो करते हैं। ये भी तो वही है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे बस वेक्टर वेक्टर बोल रहे हैं, हाँ कि ना। मतलब क्या सारी बातें घुमा फिरा के एक ही है? वहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते थे जब डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली तुम पी टू पे पहुँचे हो, इनिशियल इनिशिएट किए थे पी वन से, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पे जो है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे वहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे वहाँ पे तो एक वेक्टर का डिफरेंस आ रहा है, हाँ कि ना। एक डिफरेंस आ रहा है कि पी वन का भी लोकेट कर दे रहा है पोजीशन, पी टू का भी पोजीशन लोकेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। हाँ एक चीज और देख लो, इसके आगे एक और लाइन लिख लेना, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन करोगे तो क्या आएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, ये भी लिख लेना, लिख लो। कॉपी जितना सुंदर हो उतना अच्छा है। हेलो, लाइक एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। क्या बोले हम यूट्यूब वालों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हम यूट्यूब को मार रहे थे, तुमको चला गया, क्या करें हम, बताओ। इतना देर करने के बाद कोई बात है कि नहीं? और सब आएगा, अभी यही दिखा दे कि देखिए मेरी मम्मी आज हमको मारी, मेरी मम्मी आज देखिए रोटी सब्जी बनाई है, सब्सक्राइब करने वाले आ जाएंगे, पढ़ने कोई नहीं आएगा। व्लॉगिंग, उसको इंग्लिश में व्लॉगिंग कहते हैं। आज मेरे छोटे भाई ने होमवर्क नहीं किया था, आज मेरे छोटा भाई गेम खेल रहा था, ये सब कंटेंट है, लोग देखते हैं दिन दिन भर तक, लिखते हैं फिर कमेंट में, पता क्या लिखते हैं? मैं आपके ही व्लॉग का इंतजार कर रहा था। भाई मैं आपके व्लॉग से ही दिन की शुरुआत करता हूँ, आपका व्लॉग जिस दिन नहीं आएगा उस दिन मैं जहर खा लूँगा, उस दिन मैं उठूँगा ही नहीं बेड से। ये तो दुनिया चल रही है, और यहाँ पर पढ़ाओ लेकिन कोई सब्सक्राइब करने वाला नहीं है। सब्सक्राइबर्स कम ऑन, सब्सक्राइब,
सब्सक्राइबर को भी तो बोलना पड़ेगा, मोटिवेट करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम चल रहे हैं सर यहाँ पे आदमी कष्ट में इस किनारे कर रहा है। कम ऑन सब्सक्राइबर, लेट्स गो, सब्सक्राइब एंड बेल द प्रेस आइकॉन। हो गया, हो गया, चलो जाओ। इसमें क्वेश्चन आप बना सकते हो, खुद से बनाओ, खुद से खेलो। इसका पोजीशन एक्स वाई दिया हो क्या, सब कुछ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल सकते हो? बताने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे भी बताने की कोई जरूरत। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया है, अगर इसका देखो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर अंडर प्लस इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। खेल खत्म। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया? हाँ की ना, बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, कर लो, हो गया, वेक्टर खत्म। कल से काइनेमेटिक्स। यो, चलो, बाय।